क्वेश्चन नंबर 85, एक बस एडमिटेंस मैट्रिक्स दी हुई है और पावर सिस्टम नेटवर्क में 4 बसेज हैं, तो ये कहता है कि ऐसी कौन कौन सी बसेज हैं जिन पर संट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, रो नंबर 1 के सभी एलिमेंट्स, सभी वैल्यूज़ को आप जोड़ दीजिए, यानी कि -5, 2, 2.5 और 0, सबको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आपको मिल रहा है -0.5, यानी कि रो नंबर 1 के सभी वैल्यूज़ को जोड़ने पर, ये रो नंबर 1 की सभी वैल्यूज़ को ऐड करने पर हमें वैल्यू 0 के बराबर नहीं मिल रही, इसलिए बस नंबर 1 पे संट एलिमेंट प्रेजेंट है। इसी प्रकार से रो नंबर 2 के सभी एलिमेंट को जोड़ दीजिए, 2 प्लस -10 प्लस 2.5 प्लस 4, सभी को आप अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आती है -1.5। तो ये जो सम है रो 2 के सभी वैल्यूज़ का, ये 0 नहीं है, इसलिए बस नंबर 2 पे भी संट एलिमेंट प्रेजेंट है। रो नंबर 3 को देखिए, रो नंबर 3 की सभी वैल्यूज़ को जोड़िए, 2.5 प्लस 2.5 माइनस 9 प्लस 4, सबको ऐड कर देंगे, ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, यानी कि बस नंबर 3 पे कोई भी संट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। रो नंबर 4 को देखिए, सभी वैल्यूज़ को ऐड करिए, 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस माइनस 8, तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, इसलिए बस नंबर 4 पे कोई भी संट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये शॉर्टकट तरीका है, और बस नंबर 1 और बस नंबर 2 पे केवल संट एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक पता नहीं है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लिया है, और अगर मुझे ट्रिक पता नहीं है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको, ज़रा सा इसको देख लेते हैं। देखिए मैं नेटवर्क को ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का साइज़ है 4x4, यानी कि पावर सिस्टम नेटवर्क में 4 बसेज हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 बसेज हैं। ये Y11 है, ये Y12 है, ये Y13 है, ये Y14 है। तो Y12 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका एडमिटेंस कितना होगा। देखिए बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को मैं देखकर बता सकता हूँ कि Y12 की वैल्यू है 2, J2, यहाँ पे J लिखा हुआ है, इसलिए J2 है वैल्यू कैपिटल Y12 की। तो संट, ये बस नंबर 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका एडमिटेंस कितना है, तो इसकी आप नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, -J2। Y12 को लिखने का क्या तरीका होता है मैं फिर से बता देता हूँ। नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 2, इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा J12। तो अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लें तो 1 और बस नंबर 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका एडमिटेंस हम पता कर सकते हैं। अब देखते हैं कि Y13 की वैल्यू है J2.5, तो Y13 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका एडमिटेंस होगा -J2.5। बस नंबर Y14 की वैल्यू 0 है, इसलिए 1 और 4 के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। अब आइए देखते हैं, आप डायगनल एलिमेंट्स को अभी छोड़ दीजिए। अब देखते हैं Y23 का क्या मतलब हुआ। बस नंबर 2 और 3 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू Y23 आपको बताएगा। Y23 की वैल्यू हम मैट्रिक्स से देखकर बता सकते हैं, ये है J2.5, तो इस एलिमेंट की का एडमिटेंस होगा -J2.5। अगर हम Y24 को देखें, Y24 को देखकर हमें पता चलता है कि Y24
के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है और इसका जो एडमिटेंस है वो है -j4। अभी डायगनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए और यहाँ पे देखिए ये है y3 4, यानी 3 और 4 के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है और इसका एडमिटेंस होगा -j4। तो इस डायगनल के ऊपर सभी एलिमेंट्स की मैंने स्टडी की है, y12 की स्टडी की है, तो हमें y1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड था इसका एडमिटेंस पता चल गया। y13 की स्टडी मैंने की है तो 1 और 3 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड था उसका एडमिटेंस हमें पता चल गया। y14 की स्टडी की है तो पता चला 1 और 4 के बीच में कोई एलिमेंट ही कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये 0 है। इसी प्रकार से y23 की स्टडी की है मैंने, y24 को भी समझ लिया मैंने, y34 को भी समझ लिया मैंने। इस डायगनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी स्टडी मैंने कर ली है। नीचे के एलिमेंट जो हैं, इस डायगनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं इनकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, इस डायगनल के ऊपर के एलिमेंट्स की आप स्टडी करिए, फिर हम डायगनल के एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ कि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को देखकर पूरा का पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये है। तो y11 को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? y11 आप देख लीजिए मैट्रिक्स से पता चल जाएगा, ये है -j5। लेकिन ये -j5 कैसे आया होगा? y11 का मतलब है सम ऑफ द एडमिटेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कनेक्टेड टू बस नंबर 1। तो बस नंबर 1 से अभी तो ये एलिमेंट कनेक्टेड और ये वाला, तो इसका एडमिटेंस है -j2.5 और इसका एडमिटेंस है -j2। इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा -j4.5, यानी कि मुझे एक और एलिमेंट चाहिए, एक और एलिमेंट मुझे चाहिए जिसका एडमिटेंस होना चाहिए -j0.5। अब इन तीनों एलिमेंट्स के एडमिटेंस को जोड़ेंगे तो ये -j5 आ जाएगा। अब y22 की स्टडी करिए। y22 का मतलब कैसे हो गया? y22 है दिया हुआ -j10। y22 का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द एडमिटेंस ऑफ द एलिमेंट्स कनेक्टेड टू बस नंबर 2। तो 1, 2 और 3 अभी कनेक्टेड हैं, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, 2, 6, 8.5। तो टोटल जोड़ देंगे -j8.5 आ गया, यानी कि मुझे और एक एलिमेंट कनेक्टेड करना पड़ेगा जिसका एडमिटेंस -j1.5 होना चाहिए, जिससे कि y22 की वैल्यू -j10 आ जाए, क्योंकि एज़ पर डेफिनीसन y22 इक्वल्स टू the sum of all the admittance of all the elements connected to bus number 2. Bus number 2 से जितने भी elements connected हैं इन सब के एडमिटेंस का सम -j10 होना चाहिए। अब हम y33 की स्टडी करते हैं। y33 है -j9। तो बस नंबर 3 से कनेक्टेड सभी एलिमेंट्स के एडमिटेंस का सम -j9 होना चाहिए। देखिए -4 -2.5 -2.5, तो ये ऑटोमेटिक -9 है, -j9 तो ये हो ही गया, तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एलिमेंट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। y44 को देखिए, ये y44 -8 है, तो y44 -8 -j8 कैसे आया? The sum of all the elements of the sum of admittances of all the elements connected to bus number 4, इन दोनों को अभी जोड़ कर देखते हैं। ये है -j4 और ये है -j4, इसका एडमिटेंस है -j4 और इसका एडमिटेंस है -j4, इन दोनों को ऐड करके देखिए -j8 आ गया। तो हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा संट एलिमेंट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पावर सिस्टम नेटवर्क को हम देख के बता सकते हैं कि बस नंबर 1 और बस नंबर 2 पे संट बस नंबर 1 और बस नंबर 2 पे संट एलिमेंट कनेक्टेड है, एक ये है और एक ये, यानी बस नंबर 1 और 2 पे संट एलिमेंट कनेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने पे पता चल गया कि एक्चुअल में सिनारियो क्या है। तो हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर था 85, जिसमें ऑप्शन सी करेक्ट था और जिसमें बस नंबर 1 और 2 पे संट एलिमेंट्स कनेक्टेड थे। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्थिति है और हम नेटवर्क्स को ड्रॉ भी करना हमने सीख लिया
अगर हमें बस एडमिटेंस मैट्रिक्स दी हुई है तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।